नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 14 सितंबर साथियों, इस समय की इस वीडियो के तहत शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बड़ी अपडेट है और अन्य शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण आदेश और सूचना इस वीडियो में बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर सबसे पहले अपडेट है जयपुर से, नौकरी तैयार करे युवाओं के लिए खुशखबरी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का दावा, हाल ही में झालावाड़ प्रवास पर कई बड़ी बात। शिक्षा विभाग में नौकरी की तैयारी करे युवा बेरोजगारों के लिए उन्होंने बड़ी बात कही है। कहा 3 साल में एक भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी। और राजस्थान के शिक्षा में करीब शिक्षा विभाग में अगर देखा जाए तो 1,25,000 से ज्यादा पद खाली है, जिसमें वरिष्ठ अध्यापक के 25,502 पद, कंप्यूटर अनुदेशक के करीब 4,000 पद, थर्ड ग्रेड टीचर के 23,555 पद, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 591 से 358 पद खाली है। इसके अलावा स्कूलों में प्रिंसिपल के पद भी खाली है, स्कूलों में प्रिंसिपल के 7,384, वाइस प्रिंसिपल के 7,526 और व्याख्याता के 17,285 पद खाली है। अगर शिक्षा मंत्री दिलावर का दावा साबित हुआ तो नौकरी के लिए बेटी को मिलेगी बड़ी सौगात। ये आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड प्रिंसिपल इत्यादि महत्वपूर्ण अपडेट है। अगली खबर है यहाँ पर आयुक्तालय पहली शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से, नोडल प्राचार्य नवीन राजकीय महाविद्यालय विषय 24-25 में 33 नवीन राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश के क्रम में विषयांत और संदर्भी पत्रों क्रम मिलेगा। विभाग के समसंघ के आदेशों के द्वारा 33 नवीन राजकीय महाविद्यालय क्लास संख्या 2 वर्ग में कम आवेदन पत्रों को दृष्टि में रखते हुए ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया का संशोधित कार्यक्रम आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 21 सितंबर, आवेदन पत्रों की जांच और अंतिम प्रवेश सूची अथवा प्रतिया सूची का प्रकाशन 24 सितंबर, मूल दस्तावेजों की जांच 28 सितंबर और अंतिम प्रवेश सूची का प्रकाशन 30, वर्गांतर और शिक्षण कार्य प्रारंभ 1 अक्टूबर है। इस प्रकार से यह है सूचना आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगली खबर है और ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं, परिवर्तित बजट वर्ष 24-25 में घोषित किया नवीन महाविद्यालय के संचालन हेतु नोडल महाविद्यालय का नाम अजमेर, संभाग, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, कोटा, उदयपुर। इसके अलावा अगली खबर है, राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक सीधी भर्ती 2016 और 2022, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, कंप्यूटर निदेशक सीधी भर्ती 2022। शिव निदेशक अजमेर समाज समिति अपडेट है, 17 और 24 को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजन में अपने गृह जिले के रोजगार उत्सव में भाग लेकर नियुक्ति आदेश प्राप्त करने के क्रम में आप देख सकते हैं 29-24 के बाद स्थानीय कार्य द्वारा आयोजित पदस्थापन परामर्श शिविर द्वारा नियुक्ति प्रदान किए गए नव नियुक्त अभ्यर्थियों को श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के प्रासंगिक पत्र के अनुपालना में सभी जिला मुख्यालय पर दिनांक 17-24 मंगलवार को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित किया जाना है, जिसका निर्धारित समय तथा स्थान जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर नियुक्ति आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तो आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यह। इसके बाद में अगली खबरों में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, दिनांक 17-24 को आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के संबंध में यह आदेश आप देख सकते हैं जिला मुख्यालय और प्रासंगिक पत्र का लेख है कि प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन दिनांक 17-9 को चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा और इस उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। तो उसको लेकर के भी अपडेट आप देख सकते हैं पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी आदेशों की पीडीएफ और सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। आयुक्तालय पहली शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से अगली अपडेट, समस्त प्राचार्य राजकीय निजी और महाविद्यालय यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आगामी समय में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा समान पात्रता परीक्षा स्नातक और सीनियर सेकेंडरी लेवल और पशु परिचर और अन्य परीक्षा आयोजन कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा और परीक्षा के संबंध में महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संदर्भ में सहमति मांगे जाने पर सहमति प्रदान करें और परीक्षा तो आपके महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाने की स्थिति में आप भौतिक संसाधन उपलब्ध कराते विकसक और निर्धारितों के समूह निर्धारण के लिए महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें। उनको लेकर के अपडेट आप देख सकते हैं। इसके बाद में सीकर में महिला आरक्षण विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन,
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण 50% देने के विरोध में सीकर में विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार पहुंचे जिला कलेक्टर, कलेक्टर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। मनोज मीणा की चेतावनी के बाद कलेक्टर पहुंच यहाँ पर वार्ता के लिए और महिला आरक्षण वापस लेने की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार जारी है। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में अंक वितरण को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में प्रश्न पत्र से हटाए गए सवालों के अंकों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया उचित और निष्पक्ष है। इसके कारण भले ही कुछ अभ्यर्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, लेकिन कोर्ट चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को व्यापक लाभ के लिए हस्तक्षेप करने से बच सकता है। हाईकोर्ट में सुरेंद्र चौधरी व अन्य की ओर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में पेपर से कुछ सवालों को हटाने का निर्णय लिया था। ये आप देख सकते हैं, उनसे जुड़ी अपडेट है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी परिधि परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के आप देख सकते हैं समय, इनका कार्यक्रम, परीक्षा का नाम। तो साथियों, ये थी इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।